ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय आर्ट चैनल। तो आज हम सेकेंड पार्ट लेके आ रहे हैं, उसमें हमारा कलरिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसका पेंसिल ड्राइंग किया था, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फिगर ड्राइंग एंड सीनरी। ठीक है, तो आज हम ऑयल पेस्टल से इसे कलर करने वाले हैं। ठीक है, किड्स फ्लाइंग काइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में कलर करना है। ठीक है, बैकग्राउंड से लेते हैं आगे की तरफ हम कलर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमें कलर चाहिए लाइट ब्लू। ठीक है, तो लाइटली हम लाइट ब्लू फिल करेंगे। इसे आपको फिल करना है सेवन डायरेक्शन में। ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। सेटिंग में आपको थोड़ा सा यहाँ पे डीपली करना है। ठीक है, डीप डीपली चलाना है। उसके बाद लाइट लाइटली आपको कलर को मिक्स करना है। ठीक है, वेरी लाइट लाइट लाइट। देखो यहाँ पे भी लाइटली फिल करते जाना है। ठीक है, एंड फर्स्ट कोट हम लाइट ही देंगे। ठीक है, एंड आपको हाफ ही फुल करना है, करके पूरा। देखो यहाँ पे ब्लू में मैं दिखा रहा हूँ डार्क लाइट। ठीक है, लाइट ब्लू में हैंडलिंग आपका ये होना चाहिए, मीन्स प्रेशर स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा लेना है, उसके बाद धीरे धीरे स्लो करना है। ठीक है, वेरी लाइट लाइटली। फिर उसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ मीडियम येल्लो। ठीक है, मुझे एक येल्लो टोन दिखाना है, तो नीचे से मैं डीपली करूँगा कलर, ऊपर की तरफ लाइट लाइटली। ठीक है, कुछ इस तरह आपको फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, लाइट लाइटली भी कर सकते हो, एकदम वेरी लाइट लाइट। यहाँ से भी करेंगे पूरा, ये होने के बाद व्हाइट कलर से इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा व्हाइट कलर से आपको ब्लेंड करना कलर को। पहले सेंटर में जो हमारा पोर्शन होगा येलो एंड ब्लू, उसे पहले मिक्स करेंगे। ब्लेंड होने के बाद भी माउंटेन्स को कलर करेंगे। ठीक है, माउंटेन्स हम ब्लू से यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइट ब्लू से ही बैकग्राउंड में इसको फिल करेंगे। स्टार्टिंग में आपको डीपली चलाना है। ठीक है, वन साइड से शैडो एंड उसके बाद एकदम लाइट लाइटली करना है, वेरी लाइट लाइट। उसके बाद डार्किश ब्लू करना है आपको। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पर्शियन ब्लू। ओके, पर्शियन ब्लू आपको लेना है। देखो स्टार्टिंग में हमें डीप करना है, उसके बाद धीरे 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 लाइट लाइट करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से हम फिल करेंगे प्रॉपर। आगे इसको आप ब्लेंड करना हो तो ब्लेंड भी कर सकते हो या फिर टेक्चर भी रख सकते हो। ठीक है, कलर का ओके, थोड़ा सा मैं इसको ब्लेंड करूँगा हल्का सा। ठीक है, उसके बाद मुशे से हम फिल करेंगे। सो आई एम यूजिंग लाइट ग्रीन, यहाँ पे लाइट ग्रीन करना है, हाफ एंड हाफ डार्क ग्रीन। ओके, सो मैं यहाँ पे ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ, सैप ग्रीन। ओके, लाइट ग्रीन भी कर सकते हो। ठीक है, लाइट ग्रीन हो गया हमारा। उसके बाद हल्का सा डार्क ग्रीन, इन सबको लेना है वर्डिन ग्रीन। ओके, अलग अलग कलर सबको फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसी तरह हम ग्रास जो ट्रीज का लिफ पार्ट है वहाँ पर फिल करेंगे। सो सेटिंग में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन हाफ यूज़ करना है। हाफ हल्का सा येलो ग्रीन यूज़ करेंगे यहाँ पे, येलो ग्रीन हल्का सा डार्किश ग्रीन मिक्स करना है। ठीक है, होने के बाद अभी हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर करना है। ठीक है, नीचे जमीन का पार्ट दिखाना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं लेमन येलो। लेमन येलो आपको देना है स्टार्टिंग में पूरा पूरा। ठीक है, पूरा आपको डीपली चलाना है, हल्का सा पूरा हम लाइटली फिल करेंगे लेमन येलो। उसके साथ थोड़ा सा लाइट ग्रीन मिक्स करेंगे, येलो ग्रीन लाइट ग्रीन। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लाइट येलो ग्रीन। ठीक है, येलो ग्रीन से कर सकते हैं। अलग अलग कलर्स आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें वो आपको लेना है।
फ्रंट में और आप ग्रीन कलर कर सकते हो, ठीक है, ग्रास को ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन। थोड़ा सा शेडिंग, इतना सारा होने के बाद इनके बाद हमें फ्लावर्स को हम कलर करेंगे। ग्रीन शेड्स को यूज करना है, ठीक है। अभी हमें फिगर्स को हम कलर करेंगे, ठीक है। फिगर्स में हमें, मैं यूज़ कर रहा हूँ स्किन टोन के लिए पिच कलर, ओके। फेस, हैंड्स एंड लेग्स, तीनों पार्ट्स को हमें कलर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फेस को कलर करेंगे अच्छे से, ठीक है। आपको अलग अलग कलर्स यहाँ पे यूज़ करना है, और जो जिस भी टॉपिक का आपका आपको ड्राइंग का वीडियो चाहिए होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो वैसे हम अगले वीडियो में लेके आएंगे डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये चैनल आपके लिए, मतलब मैंने ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके वीडियोज़ बनाएं, ठीक है, ड्राइंग के, मेरे ड्राइंग्स डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग पेंटिंग। तो जो जो चैनल पे नए आए उनको चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना है, ठीक है, और कमेंट जरूर करें, कमेंट में आपको क्या किस किस के वीडियो पे ड्राइंग के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, कितने चाहिए उस काम करेंगे, ओके। चलो देन उसके बाद लाइट हमारा पिच कलर होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम शेडिंग करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑरेंज कलर, ठीक है, इसे लाइटली भी आप कर सकते हो हल्का सा, ठीक है। ऑरेंज कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, देन ये फिगर भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये तो लाइट बैकग्राउंड में, ठीक है, तो इसको हमें ज़्यादा डार्कश नहीं करना, लाइट ही रखना है बैकग्राउंड में, ठीक है। फिर इसके बाद हेयर इसको कलर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा पर्शियन ब्लू, तो पहले पर्शियन ब्लू फिल करेंगे, उसके बाद ब्लैक, देन इसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक कलर, ठीक है। ये होने के बाद हम शर्ट को कलर करेंगे, ठीक है। सो आई एम यूजिंग यहाँ पे पिंक कलर, लाइट पिंक कर सकते हो, ठीक है, लाइट पिंक करेंगे हम इसमें, हाफ लाइट पिंक एंड हाफ थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेंगे, रेड कलर, रेड कलर से हाफ पोर्शन फिल करेंगे। ऐसे आपको ट्राई करना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स। पैंट को कलर करेंगे, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओके, पैंट के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सेरेलियन ब्लू, और यहाँ पे पर्शियन ब्लू, हमारा शेडिंग भी हो गया हल्का सा इसमें। इन शूज़ को आप कलर कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर ही कर रहा हूँ शूज़ को, ठीक है। इसी तरह बैकग्राउंड में जो बॉयज़ है, ठीक है, उसको भी हम कलर करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको ऑरेंज कलर ही, ऑरेंज है थोड़ा सा यूज़ करेंगे येल्लो, ये पैन को हम कलर करेंगे हल्का सा लाइट पिंक, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डार्क ब्लू, ठीक है। ये होने के बाद अभी काइट को कलर करेंगे, ठीक है। काइट को कलर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ रोज पिंक, रोज पिंक नहीं, मैडर मैडर पिंक, मैडर रेड कलर, ठीक है। के बाद हमें ट्रीज को कलर करना है, ठीक है। ट्रीज के लिए हम फर्स्ट यहाँ पे ऑरेंज कलर करेंगे, ठीक है, एक लाइट टोन देंगे वन साइड से,
हाफ कलर कर दीजिए ब्राउन। इसमें शेड स्काई फील आएगा थोड़ा, ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट कलर कर सकते, इसका ब्रांचेस बनाओ। इसी तरह हम ये पिंक को भी कलर फील करेंगे, ठीक है। इसमें हम चाहे तो लाइट पिंक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हल्का से यहाँ से भी येलो कलर से ब्लेंड करेंगे कलर ब्राउन, ठीक है। तो आज का हमारा ये ड्राइंग ऑलमोस्ट डन हुआ हुआ है, ठीक है। तो आपने सीखा, ठीक है, कैसे स्टेप बाय स्टेप ये करना है कलरिंग ऑयल पेस्टल से, ठीक है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू।